विश्वं दर्पण दृश्यमानं प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मांतरेपि त्वत्पादाम्भो रुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। ओम शांति। यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यत्प्राप्य न वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति जज ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। अब भक्ति के जो स्वरूप का लक्षण बताया कि भक्ति अमृत स्वरूप होती है, अमृत है वो। तो अमृत तो ऐसा होता है पीने में भी मीठा और पेट में पहुंचने के बाद भी मीठा और परिपाक में भी मीठा, वो तो मधुर ही मधुर। तो इस अमृत स्वरूपा भक्ति का ही कुछ विलास बताने के लिए जब अमृत स्वरूप भक्ति तुम्हारे हृदय में आवेगी तो कुछ उसके हाव भाव विलास तुम्हारे जीवन में प्रकट होंगे। कोई अमृत पिए और अमृत पीने का कोई लक्षण ही प्रकट न हो, कोई पहचान ही ना आवे, तो वो क्या अमृत। तो भक्ति जब हृदय में आती है और भक्ति का अमृत जब छलकता है तो मन का एक एक कण उससे भर जाता है और तन का एक एक कण अमृत से भर जाता है। रग रग रोम रोम में भक्ति का अमृत छलकने लगता है। अब कहते हैं भाई भक्ति अमृत स्वरूप है और वो तुम्हारे जीवन में आई परंतु कोई सिद्धि नहीं आई। बोले भक्त को सिद्धि की परवाह क्या है, वो तो सिद्धि की ओर आंख उठा के देखता भी नहीं। धान्योप निमंत्रण संगतमया करणम, जब कोई देवता आकर के कहे कि हे भगत जी हम तुमको ये सिद्धि देते हैं तो उस सिद्धि को स्वीकार मत करना। और जब वो देवता लौट जाए तो अभिमान मत करना कि देखो ओ, हमारी भक्ति का ये प्रताप कि ऐसी सिद्धि लेकर के देवता आया और मैं कितना प्रतापी कि मैंने उस सिद्धि को और देवता को बहरंग वापिस कर दिया, तो मैं बड़ा प्रतापी। तो इस सिद्धियों में दो हानि की संभावना रहती है, स्वीकार कर लो तब तो आसक्ति हो जाए और अस्वीकार करो तो अभिमान होवे। सिद्धियां दोनों तरह से बाधा डालती हैं। लेकिन कोई कहे कि अमृत स्वरूपा भक्ति तुमको प्राप्त हुई, अमृत पीने को मिला और सिद्धि नहीं मिली। एक आदमी पारद को सिद्ध करके यदि सेवन करे, रसायन होता है ना, वो भी मर्त्यलोक का अमृत ही है, वो उसको रसेश्वर संप्रदाय बोलते हैं। यदि कोई पारे को सिद्ध करके सेवन करे तो सिद्ध हो जाता है, और यहाँ अमृत स्वरूपा भक्ति का सेवन किया और सिद्धि नहीं मिली तो ये तो भक्ति में कमी रह गई ना। तो कल इसकी व्याख्या आपको सुनाई थी, अमृत स्वरूपा भक्ति का सेवन करने से सिद्धियाँ स्वयं सेवा में उपस्थित हो जाती हैं।
एक बार एक भक्त और जोगी दोनों साथ साथ जा रहे हैं। दोनों को लगी प्यास, तो जोगी राज तो बोले कि भाई अब तो प्यास के कारण बड़ा कष्ट हो रहा है, और भगत जी बोले कि हमारे ठाकुर जी को प्यास लगी है, ये नहीं कि हमको प्यास लगी है। बोले भाई हमारे ठाकुर जी का पानी पीने का मन होता है तो वो हमको प्यास लगा देते हैं, तो हम अपने मुंह में पानी डालते हैं और वो हमारे हृदय में बैठ के पीते हैं। तो हमारे प्यारे ठाकुर जी को प्यास लगी है। दोनों कुएं पर गए, कुएं पर गए तो रस्सी नहीं, तो जोगी राज ने अपनी सिद्धि से हाथ लंबा किया और अपना कमंडलू कुएं में डुबोया और जल निकाला और डस के पी लिया। भगत जी ने कहा भाई हमारे भगवान को भी प्यास लगी है, तो बोले कि हमारे योग में तो इतनी शक्ति है कि हाथ लंबा हो गया और हमने कुएं में से पानी निकाल के पी लिया, तुम्हारे भक्ति में क्या शक्ति है? कुछ नहीं, छोड़ो भक्ति, अब आओ करो योग। तो भगत बेचारा भोला भाला और रोने लग गया, भक्तमाल में ये कथा है, रोने लग गया कि हे भगवान हमारे पास तो कोई सिद्धि नहीं, हम हाथ बढ़ा नहीं सकते, रस्सी है नहीं, कुएं में उतर नहीं सकते, हमारे भगवान को तो प्यास लगी है, उनके पानी पीने का समय है, कैसे पानी पिलावे। जो उसकी आंख में से दो बूंद पानी गिरा और वो कुएं में बाहर आ गई हो ऊपर, वो है जैसे कोई मशीन लगी हो, कुएं का पानी बिल्कुल ऊपर उठता हुआ चला आ रहा है। अब तो भगत जी ने जल लेकर के अपने ठाकुर जी को पहले भोग लगाया, तुलसी डाले। भक्त का यही स्वभाव है कि जब कुछ खाना पीना होता है तो खुद नहीं खाता, पहले ठाकुर जी को खिलाता है तब खाता है। भक्त की कोई भी वस्तु अपने लिए नहीं होती है ना। तो बोले भाई ये तो बड़ी भारी सिद्धि है, कुएं का पानी उछल के ऊपर आ गया, सिद्धो भवती यह लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवती। बोले ये सिद्धि उसकी है, उसने कहा नहीं नहीं, ये हमारे भगवान की लीला है, वही प्यासे बनते हैं, वही हमारे हृदय में पानी की पीने की प्रेरणा देते हैं, वही कुएं के पानी को उछालते हैं और फिर वही पीते हैं, ये तो उनकी लीला है, ये हमारी सिद्धि नहीं है। अच्छा जरा आप लोग आगे और थोड़ा बढ़ो, है ना, सचमुच आगे बढ़ना हो केवल सिर मत हिलाना, सचमुच अपना आसन थोड़ा आसन आगे करो, सब स्त्री पुरुष दोनों। एक मैंने वैष्णव के ग्रंथों में हो एक कथा पढ़ी थी, और आगे बढ़ो तब सुनाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे और आगे स्त्री पुरुष दोनों ओर से थोड़ा थोड़ा कस जाओ। दक्षिण प्रदेश में मद्रास में एक आलवार संत हुए हो, तो वो अपनी नन्ही सी कुटिया में रहते थे, लेटे तो अकेले लेटने भर की थी, तो रात्रि के समय में लेटे हुए थे। अब उनको मालूम पड़ा कुछ हवा तेज चल रही है ना, उठ के बैठ गए भाई भजन करने का समय है, भजन करने लगे तो मालूम हुआ वर्षा हो रही है, तो सोचने लगे कि मैं तो अकेला तो इसमें लेटता हूँ और बैठे तो दो जने बैठ जाएंगे, अगर कोई वर्षा में भींगता हुआ साधु आ गया तो क्या करेंगे। बोले दोनों बैठ जाएंगे, मौज से भजन करेंगे, बैठ गए। एक आया साधु, नारायण नारायण हम बाहर भीग रहे हैं, आओ 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 नारायण बैठो, भजन करने लगे हो दोनों बैठ गए। दोनों के मन में आया कि तीसरा आवे तो क्या हो। बोले अभी जरा बैठे हैं, तीन हो जाएंगे तो खड़े हो जाएंगे तीनों और प्रेम से रात भर भजन करेंगे, बैठेंगे नहीं। थोड़ी देर में तीसरा आया तो खड़े हो गए तीनों और नारायण 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 भजन करने लगे। तीनों के मन में आया कि चौथा आया तो क्या करेंगे। बोले चौथा आवेगा तो अभी जरा अलग अलग खड़े हैं, कट जाएंगे। इतने में चौथा आया, बोले नारायण खड़े होने की जगह है, हम बाहर भीग रहे हैं, आओ आओ नारायण। जो चौथा भीतर घुसा हो तो उसके छूते ही तीनों के शरीर में रोमांच हो गया और अपने आप शरीर में से आंसू गिरने लगे, बड़ा आनंद, जैसे हृदय में कोई कुआरा बंद रहा हो और
खुल गया वो बस आनंद की बौछार निकले। अरे ये क्या हुआ, जो खोल के आँख देखे तो वो चौथा जो आया था वो तो साक्षात नारायण थे, है ना। तो आप लोग ऐसा संकल्प करो ना कि हम लोगों के बीच में साक्षात नारायण आके बैठ जाए हैं, और इस कसम कस में उनका स्पर्श प्राप्त हो जाए, हमारे शरीर में भी रोमांच होवे, हमारी आंखों में भी आंसू आवे, हमारा भी हृदय गदगद होवे, ऐसे प्रेम से बैठो। बम्बई के लोग तो थोड़ी जगह में रहना जानते हैं, यहाँ दिखाना थोड़ी पड़ता है। तो आओ सिद्धो भवती, भक्त को सिद्धि के लिए कोई प्रयास नहीं है, इच्छा नहीं है, संकल्प नहीं है, लेकिन भगवान स्वयं उसकी सेवा के लिए सिद्धियों को भेज देते हैं। असल में सिद्ध कौन है? तो संसार में कोई आसमान में उड़े तो बोलेंगे सिद्ध है, ये भी सिद्धि है। नारायण की इच्छा से मनुष्य का आकाश में उड़ना सिद्धि है, लेकिन महात्मा लोग इसका आदर नहीं करते हैं। क्यों? बोले चिड़िया और फतिंगे और मच्छर और मक्खी बिना किसी सिद्धि के ही आसमान में उड़ते रहते हैं। अगर तुमने योग साधना करके ये सिद्धि प्राप्त कर ली तो क्या की? कुछ नहीं, हमको आसमान में उड़ने वाली सिद्धि नहीं चाहिए। बोले अच्छा, तो सिद्ध कौन है? परमहंस रामकृष्ण से किसी ने पूछा कि सिद्ध का क्या लक्षण है, तो बोले कि महाशय चावल पहले सख्त रहता है, जब सिद्ध होता है तब नरम हो जाता है, बोला। तो पके चावल का क्या लक्षण है? पहले कड़ा था, अब नरम हो गया। चावल सबसे बढ़िया पका, ये बात कब मानी जाए? जब उसमें कण तो कोई न रहे लेकिन रहे समूचा, गले नहीं। गल गया तब तो उसका व्यक्तित्व नष्ट हो गया। व्यक्तित्व तो बना हुआ है लेकिन अभिमान की कणा एक भी नहीं है। अभिमान की कणा नहीं है और है समूचा, ईश्वर से अलग दिख रहा है लेकिन अभिमान नहीं है, इसका नाम सिद्ध होता है। ये भक्त की सिद्धि है। भक्त की सिद्धि है विद्या से, वय से, जाति से, विद्या से, बुद्धि से, गुण से, पद से, किसी भी प्रकार उसमें मैं बना नहीं आता। यही जैसे चावल पक जाता है, दाल पक जाती है, जो सिद्ध होता है वो कोमल हो जाता है। जब ये अमृत स्वरूपा भक्ति अपने जीवन में आती है तो भक्त सिद्ध हुआ माने कोमल हो गया हो। बोले जल लब्ध्वा पुमान अमृतो भवती, अमृत हो जाता है। बोले अमृतो भवती का एक अर्थ होता है कि एक मनुष्य था, उसको कहीं अमृत मिल गई हो पीने, अमृत पिया, बोले अमर हो गया। तो भक्त से कोई कहे कि अमर हो जाओ तो भक्त कहेगा हमको शरीर अमर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्यों? अरे शरीर रहेगा तो अपने प्रियतम की सेवा करोगे, बहुत जरूरी है कि शरीर अमर हो और इससे अपने प्रभु की सेवा हो। बोले जब सेवा ही करनी है तो एक शरीर को अमर करके क्यों सेवा करेंगे? अरे कभी मोर होके अपने प्रभु के सामने नाचेंगे, कभी कोयल होके कुहू कुहू करेंगे, हैं? कभी खरगोश होकर के उसकी गोद में बैठेंगे, हैं? कभी स्त्री बनेंगे, कभी पुरुष बनेंगे, कभी देवता बनेंगे, तरह तरह का रूप धारण करके अपने प्रभु को रिझाएंगे। साड़ी को अमर बनाने की क्या जरूरत है? रोज रोज नई नई साड़ी पहन करके प्रभु के सामने जाएंगे। ये शरीर तो साड़ी है, हमको इस शरीर को अमर बना करके प्रभु की सेवा नहीं करनी, बल्कि रोज रोज बदल बदल के नई नई पोशाक पहन करके। रहीम का एक श्लोक है संस्कृत में, बड़ा प्रसिद्ध है। रहीम संस्कृत में रचना करते थे, उनको संस्कृत का इतना ज्ञान था रहीम का। तो कहते हैं हे प्रभु, अनादिकाल से अब तक 84 लाख रूप धारण करके मैंने तुम्हें 84 लाख नाटक दिखाए, अब सवाल ये है कि तुम खुश हुए कि नहीं? यदि खुश हो गए तब तो जो मैं मांगू सो दो, क्योंकि अपने सामने नाचने वाले को खुश किया जाता है। मैं तुम्हारा नर्तक हूँ,
और यदि 84 लाख रूप धारण करके नाचने पर भी तुम खुश नहीं हुए तो अब मना कर दो कि अब मेरे सामने कोई रूप धारण करके मत आओ, है ना, मोक्ष मिल जाए, है ना। खुश हुए तो जो हम मांगे सो दो और ना खुश हुए तो मना कर दो, है ना। तो अमृतो भवती का क्या अर्थ है? असल में भक्त का अमृत होना दूसरा हो। वैसे तो वल्लभ संप्रदाय में इस सूत्र का जो पाठ माना जाता है उसमें अमृतो भवती की जगह अमृति भवती पाठ है। अनमृत संपद्य मान अमृतो भवती इति अमृति भवती, अभूत सद्भावे की अमृति भवती। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि भक्त अमर हो जाता है, इसका अर्थ है कि भक्त अमृत हो जाता है। अमृत हो जाता है माने इतना मीठा हो जाता है भक्त, इतना मीठा कि जैसे शहद को मक्खियां घेरती है ना, जैसे शक्कर के चारों ओर जैसे चींटी होती है, वैसे भक्त के आसपास चींटी की तरह लोग मड़राते रहते हैं, क्योंकि उसके सामने जाने पर जब उसकी आंख से आंख मिलती है तो भक्त के हृदय में से एक मिठास निकल करके देखने वाले के हृदय में आती है। जब वो छूता है तो उसके स्पर्श से एक प्रकार का आनंद मिलता है। जब वो बोलता है तब उसके हृदय में बैठे हुए जो भगवान हैं, वो उसकी वाणी में मिठास बन करके निकलते हैं। तो उसकी आवाज प्रभु के स्पर्श की मिठास लेकर निकलती है, उसकी त्वचा में प्रभु का स्पर्श होता है, उसकी नेत्र में प्रभु की ज्योति होती है, उसके चलन में प्रभु के नृत्य का ताल होता है, उसके बोलन में प्रभु की बंसी का स्वर होता है। इसलिए अमृतो भवती का अर्थ है भक्त स्वयं इतना मधुर इतना मीठा हो जाता है कि लोगों के लिए अमृत का खजाना बन जाता है। अमृतो भवती का अर्थ स्वयं वो अमृत हो जाता है, जो उसका सेवन करे वो अमर हो जाता है। भक्त के अमर होने की तो बात ही क्या है। इसी से भक्त का लक्षण क्या, प्रिय प्राया वृत्ति ही विनय मधुरो वाचि नियम प्रकृतिया कल्याणी मतिरनवगीत परिचय पुरो वा पश्चाद वा तदिदम विपर्यासी तरसम रहस्यम साधूनाम निरुपधि विशुद्धम विजयते। ये तो भक्त के जीवन का, साधु के जीवन का रहस्य है। प्रिय प्राया वृत्ति है, उसकी रहनी ऐसी होती है जो सबको प्यारी लगे, किसी को दुख नहीं पहुंचाता है, सबको प्यार देना, सबको प्यार देना, सबको प्यार देना, ये उसका स्वभाव है। बोले अरे ये तो बड़ी झिलमिल यकीन की बात हुई, सबको प्यार देना, एक ही को क्यों नहीं देना है? कि ये संसारी का काम है, संसार के एक विषय में आसक्त हो जाना ये संसारी का काम है। अग्नि प्रज्वलित है, जो चाहे तो ताप जाए, है? चंद्रमा उदय हो रहा है, जो चाहे तो उसकी चांदनी ले ले, कमल खिल रहा है, जो चाहे तो उसकी सुगंध ले ले, वो तो खुले आम मैदान में सरोवर में कमल खिल रहा है। बाबा तुम्हें देखना हो तो देख करके तृप्त हो लो। अमृतो भवती का अर्थ है प्रिय प्रिय प्राया वृत्ति, उसकी रहनी सबके लिए अमृत है। प्रिय प्राया वृत्ति विनय मधुरा, उसके जीवन में विनय की मिठास होती है। इतना विनय, इतना विनय कि किसी को कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता है। वाचि नियम वाणी पर काबू होता है। प्रकृतिया कल्याणी मति ही स्वभाव से ही सबका भला चाहता है। अनवगीत परिचय उसके आसपास के लोग भी उससे आनंद लेते रहते हैं। पुरो वा पश्चाद वा तदिदम अभिपर्यासी तरसम आज मिलो कल मिलो पहले दिन मिलो पाँव छू के मिलो ढेला फेंक के मिलो तारीफ करके मिलो गाली दे के मिलो अभिपर्यासी तरसम उसका रस कभी उलटता नहीं। मीठा का मीठा होता है, कड़वा नहीं होता है,
क्योंकि बाबा शक्कर को चाहे गंदे पानी में डालो और चाहे स्वच्छ पानी में डालो, वो तो जहाँ जाएगा उसको मीठा करेगा, ये शक्कर का स्वभाव है। तो भक्त जिसको मिलेगा, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम की पूंजी है, करवाहट की पूंजी है नहीं, अपने प्रभु को मिठास देने के लिए, अपने प्रभु को मधुपान कराने के लिए, अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उसमें उसने अपने हृदय में माधुर्य का एक खजाना इकट्ठा किया है। अब तुम उसके पास जाओगे तो मीठे से मीठा ही मिलेगा, उससे कभी कड़वाहट नहीं मिलेगी। साधु ते हो ही न कार्य हानि, साधु कभी किसी का काम बिगाड़ता नहीं है। रहस्यम साधु नाम उपधि विशुद्धम विजयते, ये साधु जीवन का रहस्य है, इसमें कोई कपट नहीं है, ये शुद्ध है। और संसार में अगर स्थायी होगा कोई, विजयी होगा कोई, टिकाऊ होगा कोई, तो ये भक्त ही होगा। यही तो अमृतत्व है, भक्त का अमृतत्व यही है। अमृतो भवति तृप्तो भवति, भक्त की तृप्ति तृप्त होता है। तो कई लोग सिद्ध होने के लिए योगाभ्यास करते हैं, पारद का सेवन करते हैं, कई लोग अमृत पान करने के लिए धर्मानुष्ठान करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, और भक्त को सच्ची सिद्धि जो कोमलता है वो प्राप्त है, सच्चा अमृत जो मधुरता है वो प्राप्त है, और सच्ची तृप्ति महाराज। संसार में जिसके हृदय में तृप्ति नहीं है, हैं? आग लगी है हृदय में, भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं आग बुझाने के लिए जा रहे हैं। कहाँ आग लगी है, दाढ़ी तो आजकल है ही नहीं, आग कहाँ से लगे, है ना? बोले नहीं, दाढ़ी में आग नहीं लगी है, कलेजे में आग लगी है, बोला उसको बुझाने के लिए दौड़ रहे हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। ये संसारी लोग जो दिन भर भटकते रहते हैं काय से, अपने कलेजे की आग बुझाने के लिए। परंतु संसार के विषयों को भोग करके आज तक एक भी व्यक्ति को तृप्ति नहीं मिली है। रावण को विषय भोग से तृप्ति नहीं मिली, हिरण्यकशिपु को विषय भोग से तृप्ति नहीं मिली, और बड़े बड़े जो राजा महाराजा हुए, सौभरी का प्रसंग आया है पुराणों में, 50 विवाह एक साथ किए और 5000 बरस तक भोग किया, पता नहीं लगा कि सूर्योदय कब होता है, सूर्यास्त कब होता है, हजारों बच्चे कच्चे हुए, अंत में उनको पछताना पड़ा। संगा दशा प्रभवंति दोषा, आसक्ति के कारण अनेक दोष अपने जीवन में आते हैं। ये जाति का प्रसंग है, श्रीमद् भागवत में ये जाति का प्रसंग है, महाभारत में है। न जातु कामानाम उपभोगे न काम्यते, कोई चाहे कि हम भोग करके अपनी कामनाओं को शांत कर लें, नहीं होता। 10 रुपए वाला 20 चाहता है, 20 वाला 100 चाहता है, 100 वाला 1000 चाहता है, 1000 वाला 10000 चाहता है, 10000 वाला लाख चाहता है। कहीं अवधि है, कहीं सीमा है। ये महाराज इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। न जातु कामक कामानाम उपभोगे न साम्यति, विषय भोग से कामना की शांति नहीं होती। हविषा कृष्ण वर्तमेव भूलेवाभिवर्धते, जैसे अग्नि में आहुति डालो तो और बढ़ती है, वैसे ये भोग वासना और बढ़ती जाती है। यत पृथिव्याम प्रीयवम हिरण्यम पशवः स्त्रिया नालमेकस्य तृप्त्यर्थम, संसार का सारा भोग अगर एक आदमी को दे दिया जाए तब भी भोग करके संतुष्टि नहीं होगी। अंत में यही कहना पड़ेगा, बस कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ न कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। जैसा भाई अब आगे के लोग देख लेंगे, अब करेंगे भोग करके आज तक किसी को तृप्ति नहीं मिली है। एक राजा था, उसको खाने का बड़ा शौक, तो एक बार खाता था, खाने के बाद फिर वमन करता था, है ना? फिर थोड़ी देर के बाद स्वस्थ होके फिर बहुत स्वादिष्ट वस्तु खाता था और फिर वमन करता था। अब सोचो इस तरह से कभी स्वाद वासना की तृप्ति होगी? एक सेठ ने
विषय भोग करने के लिए पशु की इंद्रिय अपने शरीर में लगवाई, ऐसा मैंने सुना। लेकिन क्या उससे उसकी तृप्ति हुई? संग्रह करते 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 महाराज मर गए लोग, परंतु संग्रह से कहीं तृप्ति हुई? तो तृप्ति संसार में नहीं है। तृप्ति कहाँ है? तृप्ति स्वरूप तो भगवान है। एक ईश्वर को छोड़ करके और कहीं तृप्ति नहीं है। इसी से भागवत में बताया है कि प्रपद्य मानस्य यथास्नतस्युः पुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघातम्। जैसे मनुष्य भोजन करता है तो प्रत्येक ग्रास में भूख मिटती है और मन को संतोष मिलता है और शरीर में ताकत बढ़ती है, इसी प्रकार जब मनुष्य भगवान की भक्ति करता है तो भक्ति के प्रत्येक ग्रास में, संस्कृत में भक्ति भोजन का भी नाम है, ये भक्तम शब्द है नपुंसक, वो भात का वाचक है, हो भक्तम अंधः भोजनम। और फिर उससे भक्त शब्द बनावे तो ये जो पुंलिंग भक्त शब्द है वो भी बनेगा। तो भक्त जो है ना, भक्त तो भगवान का भाग है, भोग है ना भक्त, तो भक्ति करो। भक्ति करो माने रस स्वरूप जो परमात्मा है उसका बड़ा भोजन नहीं हो, छोटा भजन। ये भजन का बड़ा रूप संसार में आ गया है ना, तो ये भोजन बन गया है। लोग भोजन तो करते हैं लेकिन भजन नहीं करते हैं, हैं? अच्छा, आप भोजन में अगर भजन न रहे तो क्या रहेगा बताओ? ओ रह जाएगा बस, और कुछ नहीं रहेगा, है ना? केवल ओ रह जाएगा। अगर भोजन में भजन न हो तो ओ रह जाएगा। माने केवल कह करो, गमन ही गमन का सेवन हो गया यदि कोई भजन रहित भोजन को रखता है, ये तो कुछ नहीं है। तो भोजन कर तो भजन करो। भजन करने से क्या होगा? एक तो संसार की भोग की जो वासना है वो घटेगी, और दूसरे मन में संतोष होगा, और तीसरे पुष्टि की प्राप्ति होगी। पुष्टि पुष्टि तुष्टि और भूख की निवृत्ति, ये भजन में समकाल होता है। तो तृप्ति मिलती है भक्त को। तो योग में तृप्ति क्या है? तो योग में तृप्ति एक वृत्ति है और इसका निरोध हो जाता है। बिना तृप्ति वृत्ति का निरोध हुए योग सिद्धि नहीं होती। तृप्ति भी चित्त की एक वृत्ति है, और जब समाधि लगेगी तब न तृप्ति रहेगी, न तर्पण रहेगा, न तर्पण का विषय रहेगा, और न तो तृप्त होने वाले का पृथक कोई कर्ता भोक्ता रूप रहेगा। उस प्रसंग को छोड़ दें। ज्ञानी लोग ज्ञानामृत से तृप्त होते हैं। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः न चास्ति किंचित् कर्तव्यम् अस्ति चेत् न सतत्त्ववित्। वेदांतियों ने एक हाथ ने दोनों हाथ उठा के घोषणा की है कि जो ज्ञानामृत से तृप्त हो गया, कृतकृत्य है, योगी है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। उसके लिए कर्तव्य शेष नहीं है, और यदि कर्तव्य शेष है तो वो तत्वज्ञानी ही नहीं है। यही पहचान है कि यदि कर्तव्य बाकी है तो वो ज्ञानी नहीं है, और कर्तव्य बाकी नहीं है तो वो ज्ञानामृत से तृप्त हो गया। ज्ञानामृत से तृप्त, बल्कि जीवन मुक्ति का जब वर्णन करते हैं तो अपार तृप्ति का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं ये अज्ञान और भ्रांति और आवरण और अपरोक्ष ज्ञान दुख निवृत्ति और अपार हर्ष, ये सात भूमिकाएं जो होती हैं, ये सातों आभास में होती हैं। ये जब ज्ञान होने के बाद बोलते हैं ना, धन्योहम धन्योहम, मैं धन्य हूँ मैं धन्य हूँ मैं धन्य हूँ,
मह्यम नमः, मुझे नमस्कार, मुझे नमस्कार है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। और अहो अहम नमो मह्यम, मैं धन्य हूँ और मुझे नमस्कार है। ये ज्ञानी लोग जब तृप्त होते हैं, जीवन मुक्ति की जब तृप्ति मिलती है, तब इस तरह से उनके मुंह से उद्गार निकलते हैं, ऐसी डकार आती है, मैं तृप्त हूँ, मेरे समान तृप्त और कोई नहीं है। पर वेदांत की दृष्टि से विचार करो तो ये तृप्ति किसमें है? बोलिए ब्रह्म तृप्त हो रहा है तो नहीं, तत्व तत्व ज्ञान का असली स्वरूप नहीं हुआ है। ये आभास में ये सातों बातें आती हैं, अज्ञान भी आभास में, भ्रांति भी आभास में, आवरण भी आभास में, परोक्ष ज्ञान भी आभास में, अपरोक्ष ज्ञान भी आभास में, दुख निवृत्ति भी आभास में, और परमानंद की प्राप्ति, अपार हर्ष, निरंकुशा तृप्ति। विद्यारायण स्वामी ने इसके लिए तृप्ति शब्द का प्रयोग किया है, निरंकुश तृप्ति, निर्बंध, बेरोक टोक, बेधड़क तृप्ति की प्राप्ति ज्ञानी पुरुष को होती है। परंतु वो तृप्ति आभास है, आभास में है, माने अभी जब तक प्रारब्ध के अनुसार शरीर है, उस शरीर में जो बाधित अंतकरण है, उस अंतकरण में तृप्ति रहती। अब भक्त की तृप्ति अद्भुत है, वो तृप्तो होती है ना। जैसे सत्यनारायण की कथा आप पढ़े, पांचवा या सातवा अध्याय पूरा हो गए तो उसमें आवेगा इसी श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम, हो गया ना पूरा। लेकिन ये जो है ना, ये प्रेम पुराण जो है, इसमें इतिश्री कभी नहीं है, इसकी न आदि है और न अंत है। प्रेम कब, कहाँ, कैसे शुरू हुआ, प्रेम की आदि का किसी को पता नहीं, और प्रेम का अंत कहाँ है इसका किसी को पता नहीं, क्योंकि प्रेम का आदि भी परमेश्वर, प्रेम का अंत भी परमेश्वर, तब प्रेम का मध्य, बोले प्रेम का मध्य भी परमेश्वर। अद्वैतम सुख दुख अनुगुणम सर्वास्वस्था सुजस, ये प्रेम कैसा, तो बोले सुख और दुख दोनों में एक तरीका। ये नहीं कि परमेश्वर सुख में रहता है दुख में नहीं रहता, कि दुख में रहता है कि सुख में नहीं रहता, चाहे सुख मिले चाहे दुख, प्रेम एक तरीका हो। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी सोते हैं तो उसी की गोद में, सपना देखते हैं तो उसी का, खाते हैं तो उसी के साथ, चलते हैं तो उसी के साथ, डूबते हैं तो उसी के साथ, उतराते हैं तो उसी के साथ, उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसलिए भक्त की तृप्ति कहाँ है, कब तृप्ति में भी अतृप्ति है और अतृप्ति में भी तृप्ति है, वहाँ भोग में भी, वहाँ भोग में भी वैराग्य है, क्योंकि प्रेम भोग का कायल नहीं है, बोला प्रेम भोग का कायल नहीं है, इसलिए प्रेम के भोग में भी वैराग्य है और प्रेम के वैराग्य में भी भोग है, उसके श्रृंगार में भी शांति है और उसकी शांति में भी श्रृंगार है। प्रेम की रीति सर्वथा निराली, इसलिए तृप्ति में भी अतृप्ति और अतृप्ति में भी तृप्ति, ऐसी तृप्ति को लेकर के जब अमृत स्वरूप भक्ति हृदय में जागृत होती है तब ऐसी तृप्ति होती है। यत प्राप्य न वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति, जब भगवान की भक्ति मिल जाती है। यत प्राप्य, यत माने प्रेम प्राप्य, जिस प्रेम को प्राप्त करके, अथवा ज्ञान लक्ष्याम भक्तिम प्राप्य, जिस भक्ति को प्राप्त करके मनुष्य की क्या दशा होती है, तो नारद जी ने कहा कि फल के द्वारा जब भक्ति का निरूपण करना है तो भगवान कैसी भक्ति को भक्ति मानते हैं ये बात बताना जरूरी है। वो मालिक अपने सेवक की किस सेवा को सेवा मानता है, बोला
सेवक की ऐसी कौन सी चीज है जिसको देख करके मालिक खुश हो जाता है? अगर मालिक खुश न होए और सेवक की सेवा को स्वीकार न करे तो सेवक की सेवा अधूरी, क्योंकि सेवा तो मालिक को खुश करने के लिए होती है। बोले तो आओ श्री कृष्ण चंद्र कैसी भक्ति को भक्ति मानते हैं, एक बार वो बात भी कह दी जाए। नारद जी बोलते हैं, बोले कृष्ण चंद्र ने कहा कि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभा शुभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। मुहर लगी हुई है। तो जो भक्त का लक्षण भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने गीता में बताया है? देखो इसमें कांक्षति की जगह तो वांछति है बोला, और हृष्यति की जगह रमते है, और द्वेष्टि की जगह द्वेष्टि है, और शोचति की जगह शोचति है बोला, और नोत्साही भवती की जगह सुबह सुबह परित्यागी की जगह नोत्साही भवती है। माने समूचे श्लोक का अर्थ भगवान ने जो अपने भक्त की पहचान पर मोहर लगाई है, जो मत भक्त स मे प्रिय, परस्पर हुआ नहीं है। इस श्लोक में देखो परस्पर भक्ति का वर्णन है, कैसे जो मत भक्त, भक्त मेरी भक्ति करता है, और मैं प्रिय मेरा प्यारा है, माने मैं उससे प्यार करता हूँ, तो भक्त की ओर से तो भक्ति है। जो मत भक्त, भक्त भगवान की भक्ति करता है, जो मत भक्त, देखो ये एक तरफ से है, और स मे प्रिया ये दूसरी तरफ से है भगवान की ओर से, वो भगवान का प्यारा है। माने हम दोनों परस्पर प्रेम करते हैं। वो अच्छा प्रभु आप भी प्रेम करते हो, कहाँ करते हैं, किससे करते हो? कि जो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभा शुभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिया। अब उस सूत्र का सार सर्वस्व निकाल करके देवर्ती नारद ने उस श्लोक का सार सर्वस्व निकाल करके इस सूत्र में रख दिया। ऐसा भक्त भगवान को पसंद है। यो न हृष्यति, संसार के विषयों को प्राप्त करके जिसको हर्ष नहीं होता, उसी आसन पर बैठा दिया, चंदन लगा दी, माला पहना दी, जय जयकार बोल दिया है ना, अरे भीतर चाहे हो चाहे नहीं हो, है ना। अब भक्त जी तो खुश हो गए, ओ हो ये लोग हमको है कितना तिलक टीका करते हैं, और दिल फीका फीका है, बाहर टीका दिल फीका, तो है ना, तो भगवान तो बाबा पहचानते। जो न हृष्यति, संसार की वस्तुओं को प्राप्त करके जिसको हर्ष नहीं होता, क्योंकि जिसको हर्ष होता है, जो संसार के विषयों को प्राप्त करके हर्षित होता है, हृष्ट होता है, हृष्टो तृप्यति तृप्तो धर्मम अतिक्रामति, जो संसार की चीजों को पा करके खुश होता है उसको अभिमान हो जाता है, और जिसको अभिमान हो जाता है वो सेवा धर्म का अतिक्रमण करता है, वो सेवा नहीं कर सकता। जिसको अपने पद का अभिमान हो गया, अभिमान के द्वारा जो संचालित हो गया, अब वो सेवा करने लायक नहीं रहा। यहाँ तक कि अपने लिए जो मजा ले रहे, अपना मजा जो चाहे वो भी सेवा का अधिकारी नहीं। अयोध्या में संतों की सभा लगी, एक सज्जन पंखा जल रहे, झलते झलते बड़ा आनंद आया कि हम संतों की सेवा कर रहे है ना, हृदय द्रवित हुआ, कंठ गदगद हुआ, आंखों से आंसू गिरने लगे, पांव लड़खड़ाया, गिर पड़े। संतों ने झट चार संत उठे, उठाया, पानी वानी छिड़का, पंखा जला, बोले बाबा देखो अब आज से पंखा नहीं जलना, तुम्हारी सेवा चल गई है ना। क्योंकि जो सेवा करता है वो अपने सेव्य को सुख पहुंचाने के लिए सेवा करता है, उनको आनंद देने के लिए सेवा करता, तुम अपने को आनंद लेने के लिए सेवा करते हो। इसलिए वर्णन आया है कि दारुक पंखा जल रहा था और हृदय द्रवित हुआ, आंख में आंसू आए, शरीर में रोमांच हुआ, लड़खड़ाया, लेकिन उसने कहा हमको आनंद नहीं चाहिए, हम अपने सुख के लिए पंखा थोड़ी जल रहे हैं, हम भगवान के सुख के लिए पंखा जल रहे हैं, हम समाधि छोड़कर आनंद छोड़कर हम तो सेवा करने के लिए हैं, है ना। तो यो न बांछति है ना, जो न हृष्यति। अब आगे का प्रसंग है ना, वो फिर आपको कल सुनाएंगे।